गई है उत्तर प्रदेश की तरफ से, आगे हमें एक जिप्सी लगा दी है, हमारे सिक्योरिटी पूरी मिल रही है हमें, आगे पुलिस की जिप्सी चल रही है, देख सकते हो आप। जय श्री राम भक्तों। तो अब हम प्रयागराज से निकल चुके हैं और प्रयागराज से सीधा हम जा रहे हैं चित्रकूट। रास्ता इतना बढ़िया है चित्रकूट का, मजा आ गया भाई। वहां से शुरू हुए हैं प्रयागराज से और अभी ये हमें दिखा रहा है दो घंटे दिखा रहा है यहाँ से चित्रकूट। चीज रहेगी भाई 100% के हम चित्रकूट के दर्शन भी आज ही कर लें, दाराकुंडी उसके बाद रात्रि में कोशिश है कि रात्रि में जाके जो हम आराम है विश्राम है वो दाराकुंडी करें। ठीक है, उत्तर प्रदेश की तरफ से आगे हमें एक जिप्सी लगा दी है, हमारे सिक्योरिटी पूरी मिल रही है हमें, आगे पुलिस की जिप्सी चल रही है, देख सकते हो आप। ये बाबा के आशीर्वाद से एक जिप्सी हमें लेट आई है, तो इस चित्रकूट तक हमें जिप्सी छोड़ने जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी सुविधा दे रखी है हमें चित्रकूट तक, आगे आगे जिप्सी चलेगी। तो भाई यहाँ तक, तो भाई आ जाओ, सुबह से दोनों भूखे मर रहे हैं इन्हें खवा खवा फ्रूट वगैरह भूख लग रही। भैया आओ, भैया खाना खा लें, चलिए भैया। हनुमान जी हमारे चौक भी देना चाहिए। भैया गौरव बहुत मेहनत कर रहा है, अभी गाड़ी साफ करिए देखिए, दिखा रहे हो ब्लॉग में, देखिए अभी पूरी सफाई का ख्याल रहा हूँ 100%। आपने करा भैया भूख लगी तो घुमा दिया, अगर आसन अगला आसन हाँ तो पूछो क्या पूछ रहे थे भाई सर, बताओ गौरव जादूगर नंबर बताओ कहाँ में वहाँ में ये मेरा लास्ट है। हाँ भाई में भंडारे बना, भंडारे में पार्टी चले। अब कैस करके बोने को तुमने भी हम कमाल ही कर दिया यार, गौरव की सफाई तो बढ़िया करी गाड़ी का। ऐसा है हल्के मत लियो, गाड़ी चमकती रहनी चाहिए, हनुमान जी के किसी भी फोटो पे निशान नहीं आएगा, इसलिए कमर लाके साथ। और इतने अच्छे व्यू में आप गुजरते हुए जा रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा भाई, ये हमारा भारत वर्ष है जो इतना सुंदर व्यू, इतनी सुंदरता। अभी हम उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने इतनी अच्छी सुविधाएं कर दी, इतने अच्छे रोड बना दिए, उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर है। भाई रास्ते का आनंद अपने आप में मजा आया। कौन सा आश्रम जा रहे हैं भाई? धाराकुंडी आश्रम जा रहे हैं अभी हम। अभी रास्ता का व्यू है तो हम रुक गए हैं, हमने सोचा वीडियो बनाने चाहिए। अभी रुक जाओ, फोटो शूट कर ले भाई, इतना व्यू चेक कराओ, मछली इसके अंदर भाई है जी। चल चल चल, देखना कि बिल्कुल जंगल भाई। अब जा रहे हैं, बाबा ने आदेश दिए धाराकुंडी आश्रम, और ये आश्रम जहाँ है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बीचों बीच, मैं जंगल के बिल्कुल बीचों बीच चल रहा हूँ। बाबा बता रहे थे यहाँ शेर और बाघ वाघ सब हैं, तेंदुए बहुत सारी चीजें बनाएगी, ये देख लो आप। और अभी यहाँ से आश्रम काफी दूर है, तो पिछले 8 किलोमीटर से ये सेम रोड चल रही है भाई, जंगल में जंगल के बिल्कुल बीचों बीच। किधर जाना है बाबा? सीधे ऊपर चले जाइए यहाँ। ठीक है जी। तो भैया आश्रम में आ गए हैं, आश्रम में अंदर आ चुके हैं भैया, और महाराज ऊपर मिलेंगे। आश्रम में अंदर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया महापंडित।
परमानंदित आश्रम। हम कल वहां प्रयागराज पहुंच गए थे रात को, तो प्रयागराज के दर्शन करके सीधे चले आपके पास। महाराज जी ना भी आपके महाराज कल सारे कवर कर दिए, कुछ हो गए दो हो गए हनुमानगढ़ी हो गए और वो प्रयागराज हो गए। अच्छा प्रयाग प्रयाग में हो गए थे। हाँ प्रयाग में हो गए। अब कल चित्रकूट। हाँ सुबह जिंदा मॉर्निंग चित्रकूट वो कर लेंगे। पूरा सारे मंदिर में साफ कर हाँ जी हाँ जी उसमें अभी मेल जा रहा है, अभी तो कंफर्मेशन वो तब करते हैं ना जब आप पूरा कर लेते हैं। उन्होंने GPRS लगा रखे हैं गाड़ी में, उन्होंने अप्रूवल तो दे दिए प्लीज बुक ने भी और लिम्का बुक ने दोनों में। ठीक है हाँ जी हनुमान हनुमान हाँ जी तीन हो गए, तीसरा भी करूँगा अभी दो हो गए हैं हाँ कल सुबह हो गए। 30 कंट्रियाँ हो गए, 30 देश हो चुके हैं और जितने बड़े देश हैं सारे हो चुके हैं, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड स्विट्जरलैंड। अगर मैं कंट्री से बाहर की बात करूँ तो स्विट्जरलैंड से सुंदर कोई जगह लगी मुझे। एक मैंने अमेरिका में देखा, अमेरिका में तो उन्होंने जैसे आपका आश्रम ऐसे ही उन्होंने एक पहाड़ी बना रखा है बहुत बड़ा, तो हो गया आश्रम उन्होंने वही हॉस्टल वगैरह प्रॉपर हॉस्टल वगैरह सब बना रखा है, तो हर हॉस्टल बना रखे थे। और वहाँ कोई श्रद्धालु जाता है तो वहाँ वो रूम भी प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ किसी जंगल था, पानी था, महाराज जी वहाँ रह रहे थे। स्वामी जी के पास पहुँच गया 1945 में जी, 1945 से 1956 तक इनके पास 11 साल जी। परमात्मा है ये सब जी, भगवान को ध्यान में पकड़ के कनेक्शन मजबूत करके उन्होंने पर ध्यान रखा। अब महाराज जी 100 साल के हो रहे हैं, 99 साल 10 महीना 16 दिन के जी। कोरोना के पहले बम्बई आश्रम गए थे जी, तब से उन्होंने मुंबई है हमारा महाराष्ट्र है, हमारे जाएंगे वहाँ निकलती है जी और आगे जा करके सुंदर पहाड़ के अंदर से निकल रही है। हमेशा चलता है, हमेशा 12 महीने 24 घंटे इसी रफ्तार से पानी चलता है। ये सब क्यों बोल पानी दूसरा यहाँ पर पानी का साधन ही नहीं है, यही है कितना स्वच्छ जल है, पहले मिनरल वाटर थे तो पानी आकाश रहा है प्राकृतिक जल है, पहाड़ के अंदर निकल रहा है। ये प्राकृतिक झरना है जो गुरु महाराज जी 22 नवंबर 1956 में आए थे, यहीं पर इसी गुफा में रह करके साधना किए थे। यहाँ आज आप और हम बैठे शेर की गुफा है, इसमें शेर रहता था इसमें गुरु महाराज जी रहते, तो कोई जोर थी ना तो कोई साधना थी कुछ नहीं थे, शेर पसे तो पत्थर काफी अंदर का जो गुफा है काफी आगे तक गए हुए जी, पत्थर निकला हुआ था, पत्थर के नीचे गुरु महाराज जी आए रह करके साधना किए, यही साधना करते हैं। इनका गुरु अर्थन चित्रकूट सत्य भैया है, स्वामी परमानंद परमहंस महाराज जी आपके गुरु जी हैं जी,
तो गुरु महाराज जी ने आदेश किया कि जब चित्रकूट की 84 कोशिका में कुछ मांगना नहीं है। और लास्ट दिसंबर 5 जनवरी का समय था, उस समय दादा गुरु ने आदेश दिया कि गुरु महाराज जी की चित्रकूट की 84 कोशी परिक्रमा करके आज भी वही स्थिति है, पहले भी वही स्थिति थी। झरना जो होता है मतलब संस्थान जहाँ मूर्ति जलाए जाते नदी किनारे या तालाब किनारे, पहले नदी और तालाब में बराबर पानी रहता था, अब पानी आ गए जब से बोर हो गए तो पानी पूरा खींच लिए, सो गया रात भर पाते हैं, सुबह उठते थे चलते थे, जैसे चलते थे कोई ना कोई प्रसाद लेके आ जाता था, दे देते थे उसे ग्रहण कर लेते थे, दर्शन हो जाएंगे माँ बाप का कम नहीं वहाँ पर। किंतु आए गुरु जी ने कोरोना के बाद ये नियम बना दिया कि आश्रम के अंदर प्रवेश वाले करेंगे 5 साल से, तो सुबह शाम से घूमने निकलते हैं गुरु जी गाड़ी से, और जो भी श्रद्धालु कुछ लोग होते हैं रोड के दोनों तरफ खड़े रहते हैं, आराम से गाड़ी धीमे 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 वही लोग दर्शन करते हैं, और धीरे से लोग वहाँ तक जाते हैं पूजा घर में दर्शन किए, और जो परिचित हैं कोई हम फोन कर दिया यहाँ से फोन पहुँच गया तो प्रसाद खिला दिए, उसके बाद गुरु जी के दर्शन का समय है बाहर आ के दर्शन देना पड़ेगा, मैं फोन करूँगा वहाँ पर जो देखते हैं। जय श्री राम। ये अपने आप पहाड़ से अंकित एक प्रतिमा बनी हुई है राम लक्ष्मण और हनुमान जी की। जय श्री राम, जय श्री राम। आओ संजय जी महाराज जी, वो दो लोग और हैं आपके साथ में क्या? हाँ जी, वो मनीष और वो भी तो बहुत आपको आशीर्वाद अंगद कहे जाऊं मैं पारा जी संशय फिरती कछुबारा, अनुराग आता है थोड़ी देर के लिए, तुम अंगे कहीं आता है लेकिन वो फिर डाउन हो जाता है, लेकिन बैराग जो है बैराग रूपी हनुमान जो एक बार बैराग आ गया तो जल्दी डाउन नहीं होता। तो भैया पूरे दिन की यात्रा करके और प्रयागराज में दर्शन होके बड़े हनुमान जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, आपने देखा भी ब्लॉग में कितने अच्छे दर्शन हुए बाबा के। उसके बाद हम चले गए आश्रम में, आश्रम के भी कुछ इसमें देखने को मिलेंगे आपको सारी चीज़ें। तो अभी हमारे एक रिश्तेदार आ गए हैं स्पेशली हमसे मिलना है, हम चित्रकूट पहुँच गए हैं, हमसे मिलना है स्पेशली चित्रकूट। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ। जय श्री राम।